कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना माइम। आज हम खेलने जा रहे हैं फौज। गाइस फौज ही इसका मुझे बहुत वेट था, अवेटेड थी गाइस बहुत ज़्यादा कि मतलब कब आएगी। आज गाइस आखिरकार रिपब्लिक डे पे हमारे आ ही चुकी है ये गेम। तो गाइस अब हम खेलते हैं इसे, देखते हैं कैसी गेम है। गाइस जिस जिसने अभी तक खेल लिया या फिर खेल रहा है तो उस कमेंट में जाकर जरूर बताना। गाइस चलो देखते हैं कैसी गेम है। कैंपेन टीम ये सब तो कमिंग सून है गाइस, कैंपेन ही देखते हैं। ओके 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन गाइस बोलने का तो बहुत अच्छा है इसमें। अकेले नहीं थे, दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। घंटे बाद खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद ढिल्लो रवि फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। एकदम मस्त आवाज है, मुझे आवाज बहुत अच्छी लगी। भाईचारे आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर। फौजी चलो गाइस देखते हैं अब कैसे ग्राफिक्स तो सही है उनके। अभी तो गाइस ट्यूटोरियल्स थोड़े से चल रहे हैं। और ये लड़ना है हमसे, तेरी भैंस की टांग हमसे लड़ेगा। अरे फाइटिंग की तो बहुत गेम खेली है हमने गाइस, आपने मेरे चैनल पर देखी ही होंगी। मतलब फाइटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम ओपी वाली पसंद है फाइटिंग तो मुझे। फाइटिंग में तो मैं एकदम कति ही प्रो हूँ। इसे तो हमने बहुत ही बुरी तरह पेल दिया। अच्छा इससे गाइस हेल्थ और स्टैमिना बढ़ता है यहाँ पे बैठने से। चलो फिर भाई लेते हैं थोड़ा सा हेल्थ और स्टैमिना कैसे बढ़ता है यहाँ पे। ओके भाई हाथ सेक रहा ही तो बैठ के गाइस सही है भाई। ग्राफिक्स वाफिक्स तो सही है गाइस और गेम भी एकदम ओपी लग रही है अभी तक तो। अभी जो 5v5 वगैरह वगैरह वाले जो हैं उन्हें देखेंगे गाइस, अभी तो इसका तो सीन नहीं पता। अच्छा ये उसका डंडा डंडा है शायद, हमने डंडा उठा लिया गाइस। अरे तो आ गया पति डंडा खेलने में, तेरी भैंस से हमें मारेगा। इतना बड़ा हो गया सीख क्या होता है। चलो इसका डंडा उठा लेते हैं गाइस, डंडा उठा लेते हैं। डंडा उठा लिया गाइस, जब आगे चलते हैं यहाँ पे चलते हैं। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। अरे ये छुट्टे उट्टे खिलाड़ी हमसे लड़ रहे हैं गाइस, ये तो मतलब क्या ही समझ रहे हैं कि हम क्या नूब है गाइस। इन्हें क्या पता कि हम बैटल रॉयल गेम को कैसे खेलते हैं, ऐसे बरसा ही देते हैं बिल्कुल ही कती। देखो गाइस ये पिटेगा डंडा लेके आ गया मेरे सामने, क्या समझ रहा तू अपने आप को है। ले चल गाइस हमें कोई डंडा मिल चुका है। चलो अच्छा यहाँ पे दोबारा से चुका। चलो होता है बोल क्या जरा गाइस देगा आपने। अरे तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है मन लगता है, इसको संभालना पड़ेगा थोड़ा सा। पीछे वाले को मार। इसकी भैंस की तंग। ये तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पीरो समझ रहे हैं कि ये अपने आप को। एक तो गया गाइस,
एक खत्म, मुक्के ही मुक्के बरसा दिए, एक और गया और इसके मुक्के पड़े तगड़े। तेरी भैंस के मुक्के, इसके तो गए सर में ही मार दिया, गलती मुक्का मार दिया गया उसके तो। चलो खेल दिया इसने तो भाई, हमने चाय नहीं पीनी, हेल्थ ऑलरेडी फुल है भाई। तुम कहाँ हो? अरे भाई बता, और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। कोई नहीं गाइस, साउंड कम सुन लेंगे थोड़ा सा। और घुसपैठी है, घुसपैठी को मारो, घुसपैठी है तेरी भैंस की टांग, घुसपैठी हो तुम, घुसपैठी है, घुसपैठी कैसे बोले, और घुसपैठी हो। इसकी साउंड बहुत अच्छी लगी गाइस, आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर ही बताना। तो इसके मुक्के पड़ेंगे इसके, अरे इसके हेड ही हेड में दूंगा मैं, इसके हेड ही हेड चमकाएंगे हम गाइस। तुम्हें भी पता बैटल वाले गेम्स के बारे में, खेलता ही हूँ आपके सामने। ये ले चल चल, तेरी भैंस की हेडशॉट ही दे दिया गाइस, गलती वाला मार दिया इसके तो। एचपी करने के लिए जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए ये तो कमरा तो कैंप है यार, ये तो शायद इनका ही कैंप होगा गाइस। ये उसमें घुसपैठिए घुस चुके हैं और अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। चल तेरी भैंस के टांग, हमें मारे गए, इतना बड़ा हो गया सीख क्या होगा ना। तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहाँ छिपा रखा है? इसकी आवाज देखो भाई, तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहाँ छिपा रखा है, मस्त लगता है। तेरी भैंस की टांग मुझे मारे गए, इतना बड़ा हो गया। ये तो है, चल 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 सीख क्या, पहले सीख क्या फाइटिंग करना, सीख क्या हम सीख क्या आए अच्छे से। की तो मरे है, मर जा मेरे भाई मर जा, बहुत मुक्के खा लिए तूने। ये इसके मुंह पे ही पड़ता आखिरी वाला, और इसको लौट दे दी गाइस, कितनी तगड़ी लात मारी थी इसने। अरे अक्षय कुमार मारा, अक्षय कुमार ही लग रहा गाइस मुझे तो, ये कोई भी हो लेकिन ताकतवर होता है। तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते, इसकी आवाज बहुत अच्छी है गाइस। खेल ले और हम गाइस इन तो बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे क्या है तो पता नहीं क्या है गाइस, यहाँ पे क्या, अरे वेपन वेपन है यहाँ पे, तो इसको भी कर सकते हैं यार, इसको तो पड़ी नहीं सकता। चलो कोई नहीं, चलो बुरा बंदा घुस पा दिया। चेक पॉइंट, अच्छा चेक पॉइंट आ चुका है गाइस, पहला चेक पॉइंट हमने पा लिया। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। अरे भैया यहाँ पे ज़्यादा ही है गाइस, यहाँ पे ज़्यादा ही है। क्या ये क्या बोला इसने, हमसे फालतू नहीं हम हैं, सो जा, तुझे सुलाऊं क्या भाई, तुझे सुला देते हैं भाई। चल सो तू बचा ना, तुझे भी सुलाता हूँ भैया, इसका तो भूत बना दूंगा, इसके हेड फोड़ दे, हेड फोड़ दे। अरे तू भी पिटेगा मेरे हाथों से।
तेरी तो भैंस की टांग तुझे कटेगा, तुझे कटेगा, चिंता कर रहा है। तेरा तो बहुत बुरी तरह मार रहा है, डंडा का से लिया तुमने, आपने डंडा का से लिया, डंडा 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 नहीं ले सकते भाई, ये डंडा नहीं ले रहा है। ले लिया ले लिया ले लिया, चलो डंडा मिल गया है। चलो अब चाह थोड़ा सा हाथ सेक लेता है गाइस, अरे फुल भी हो गई अच्छी। अरे भाई यार इसने तो 2 सेकंड में अच्छी फुल भी कर दी यार, थोड़ा सा बैठ लेते हैं। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता भाई, इसकी बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथ ही ज्यादा दूर नहीं होंगे। अरे पहुंच रहा हूं तेरे साथ ही, रास्ते में दबक कर गाइस, बंदे आ गए बंदे आ गए, इसके टीम के बंदे आ गए। चल तेरी बात, आजा जा 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 तुम्हारी साथियों को मैं निराश नहीं करूंगा, तू चिंता मत कर, मैं पी रही कटी और भागो 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 भागो, थोड़ा भागना पड़ेगा गाइस, ये बंदे को ज्यादा ही आ चुके हैं, बंदे ना है ना ज़्यादा ही आती है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन, ये वापस जा रहे हैं, खुद ही वापस जा रहे हैं, मैं पता ना मार रहे हैं। तेरी तो भैंस की टांग, अरे तो मार रहा भाई मार रहा है तो, भागो 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 भागो, जा रही तुम बात में, जा रही मैं जा रही आती हूँ भाई, जा रही आती हूँ तो मार रहा ये तो बात जन्ना ने कहा इतने ये तो दिवान दे इतने दे कहा आजा 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 तेरी भैंस की कहा तेरी आजा मेरे ब्रो, आजा 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 भाई, ये थोड़ी ज़्यादा ही इंटेंस फाइट हो चुकी है इनसे, क्योंकि ये बंदे बहुत ज़्यादा है। और तेरी फिर यार शिट गाइस हम मर चुके हैं, शिट हियर वी गो अगेन, चेक पॉइंट पे भी भाई, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते, थोड़ी ज्यादा पेन दिया मुझे गुस्सा, अब मैंने बताऊंगा अभी तो मैंने मुझे डाक मारा नहीं, हाँ बोल पालते कैसे कैसे चमका दूँ चमका दूँ कहते ये तो चमक गया भाई, तेरी भैंस की टांग सुला दिया ये, अरे बंदा बंदा अरे अरे तेल दिया इसमें तो, कभी तेल दिया पीछे मार भाई यार, अक्षय कुमार पीछे मार पीछे, भागो 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 भागो, थोड़ा एच पी ले आया, एच पी ले आया, एच पी ले आया, एच पी ले आया, तेरी भैंस की टांग,
एचपी करनी पड़ेगी अब गाइस। ओ भाई देख रहे हो गाइस कितनी कम एचपी मैंने संभाला। देख रहे हो तुम एचपी करो भाई बैठ के बहुत देर से। इतनी गाइस डर ही लग गया था गाइस इस बार तो मुझे बिल्कुल ही पिछली बार की तरह मैं मर ना जाऊँ। बस सीन कट गया था थोड़ी सी हाथ सेक लेते हैं गाइस। बहुत ही गलत गेम है गाइस ये। चलो गाइस एचपी तो फुल हो चुकी है अब चलते हैं गाइस। मुझे लग रहा है ना वहाँ पे ना मुझे एक बार डंडा निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। बॉर्डर अब नजदीक ही है मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। मैं इस बार ना भाई ज़्यादा आगे नहीं आऊँगा। मैं ना एक एक करके बंदों को मारूंगा। सारे एक साथ आ जाते हैं ना तब नहीं मार पाता भाई मैं। एक एक करके मारूंगा सारे बंदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ तू आ जाओ पहले तू ही। अरे तो सारे आ रहे हैं भाई यही तो नहीं मैं चाहता। एक एक आए ना तो भाई मैं सबको कहिए तीनों आ रहे हैं ये। एक एक आए एक 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 पिंड मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। भागो भागो बहुत बल्ले आ गए बहुत बल्ले आ गए। निकलना पड़ेगा भाई निकलना पड़ेगा। पांच पांच बल्ले आ गए। संभाल संभाल के मारूंगा ना भाई तुम्हें सबको मार सकते हैं। पीछे 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 चलो पीछे चलो। ये भी गया आज ये अकेला पड़ गया ना। अब तो गया बेटा अब तो मुक्के ही मुक्के खाएगा मुझे। तू आ जा आ जा आ जा। अरे अलग ही लगता है उसको। अरे सामने खाना है उसको भाई मैं उसको सामने खाना। अरे कुछ नहीं कर पा रहा कुछ नहीं कर रहा मुझे। अरे भाई इसने नशे कर रखे थे भाई। भाई कौन से मतलब कौन से नशे करके आया भाई ये लड़ ही नहीं रहा भाई। अब आया ना प्लान पे निकलो निकलो निकलो। ये दूसरा भी आ गया भाई थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा मुझे। निकलो 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 दोनों गंदे वाले आ गए दोनों गंदे वाले। पीछे से एक और आ गया उससे मारो चलो अब इसको अब इसको मारो इसको मारो। तो बड़ा मुश्किल है ये फौज गेम। अरे मार दिया ये नहीं चाहता मैं। मैं एचपी नहीं चाहता था मैं एचपी नहीं चाहना चाहता था। उन पर दो डंडे हैं बहुत ले आएगा इसको। यहाँ पे चाय पानी करनी ही है। चलो चलो खरीद कर लेते हैं गाइस फुल फिर चलेंगे गाइस। चलो गाइस थोड़ी सी हेल्प कर लेते हैं फुल फिर चलते हैं गाइस। गेम तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे क्योंकि इसमें मारना कूदना जो है ना वो बड़ा हेल्प हो रहा है। मेरे भाइयों जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। LAC की गलत तरफ एक कैंप लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल एश ट्रे एक जलती हुई सिगरेट
और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी, पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रवि को छुड़ाने आए थे, इससे ये पता चलता है कि रवि को छुड़ाने आए थे और रवि मना कर रहा था कि मुझे मत छुड़ाओ, क्योंकि वहाँ पे गाइस उनके सिपाही थे तो वो उन्हें रोकना चाहते थे, तो उनके सिपाही से लड़ाई हो गई थी गाइस। तो इसके बाद का सीन गाइस इतना नहीं पता अभी। लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा। अरे यार, बंदे जा रहे हैं उस पार। अरे नहीं यार, जाने दे के समझता हूँ। तुम्हारी भैंस की टांग। यहाँ का इस डंडा तो पकड़ा ही चलेगा। यहाँ का इस डंडे का बिना तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डंडे बहुत पड़ेंगे। अरे तुम्हारी भैंस की टांग, डंडे ही डंडे बचाए तो मुक्त करना। खत्म होने वाला है ये आपको खेल दिया गाइस ने, तो मैंने अकेले ही ये तो गाय जाना सबको खेल दिया गाइस तुम्हारे भाई ने, और डंडे भी उठा लिया। अब हेल्थ भी फुल है, तो चाय पीने के लिए सब घर जा सकते। चलो गाइस, सर आज की इस वाली वीडियो में इस पर इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करना, कमेंट में बताना कि गाइस अभी तक की गेम आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो गाइस वो कमेंट कर देना। मैं गाइस अगर इस पे कमेंट आते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो तो गाइस मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और गाइस इसका जो नेक्स्ट 5v5 वगैरह वगैरह वाले जो गाइस गेम है उन्हें भी गाइस फिर मैं खेलूँगा। तो फिर गाइस फिर आज की इस वाली वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।